back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So मैंने अभी अपने face पे कुछ भी makeup नहीं किया है क्योंकि आज के इस video में आप लोगों के साथ share करने जा रही हूँ makeup look for college going girls. तो yes, जितनी भी मेरी audience है जो college जाती है या 16 to 18, 19 के range में है और जो college जाती हैं उनके लिए makeup tutorial है. And to be very honest, मैं जब college जाती थी मैंने कभी भी makeup apply नहीं किया है college जाने के time. सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करती थी क्योंकि मैं कहीं भी बाहर था तो मैं बिना ऐसे खाली लिपस्टिक के नहीं जा पाऊंगी. मुझे लिपस्टिक तो पसंद है, मैं लिपस्टिक लगाती थी. एंड बहुत रेयर मैं तभी काजल लगा लिया करती थी या फिर आईलाइनर लगा लिया करती थी, दोनों में से कोई एक चीज. एंड बहुत रेयर. एंड उस टाइम पे इतना मालूम नहीं था कि सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चराइजर लगाना इंपॉर्टेंट है. तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ फेस वॉश किया, लिपस्टिक लगाई या तो लाइनर काजल जो लगाया, परफ्यूम लगा लो एंड निकल जाओ. बट जब मैं जाती थी कॉलेज तो मैं देखती थी बहुत सारी लड़की लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होके एकदम बन ठन के आते थे. कुछ कुछ मेकअप बहुत लाउड भी हो जाता था बहुत सारे लोगों का एंड कुछ कुछ लोग एकदम सटल तरीके से प्रेजेंटेबल होके आते थे. सो मेरा ये ओपिनियन है ना कि मेकअप करना चाहिए, मतलब उतना करो जितना आपको कॉन्फिडेंस दे एंड आप प्रेजेंटेबल लगो. बट एक और चीज़ है कि वो कॉलेज है, कॉलेज में आप एकदम ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक लगा के जा रहे हो, आफ्टरनून या मॉर्निंग का कॉलेज है तो वो कुछ अलग ही लुक देता था यार. इतना ब्राइट लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब मेकअप करो बट स्टिल वो सटल दिख. बच्चे को भी अभी रोना है. तो मतलब मेकअप करो बट थोड़ा सटल सिंपल दिखना चाहिए. मतलब हर एक चीज जो हम करते हैं ना वो हर एक ओकेशन हर एक जगह के हिसाब से अच्छी लगती है. दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन, बट आपको जैसा पसंद है आप ऐसा कर सकते हो. सो अगर मैं ऐसे बोलूँ तब तो मैंने मेकअप नहीं किया, बट अब अगर मेरे को कॉलेज जाना हो तो मैं किस तरीके से मेकअप करना पसंद करूंगी, तो इससे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे. एंड अगर आप चाहो तो सेम फॉलो भी कर सकते हो कॉलेज जाने के टाइम पे. एंड अगर आप कॉलेज जाते हो और आप मेरा मेकअप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके जरूर बताना, मुझे देखने में बहुत खुशी होगी. तो चलो बहुत बड़बड़ कर लिया है मैंने एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो जैसे कि मैंने अपने फेस पे ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फेस वॉश किया है. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर. अगर आप चाहो तो आप टोनर यूज कर सकते हो, तो मेरे पास टोनर अभी है, मैं चाहूँ तो यूज कर सकती हूँ. टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर यूज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा ना आपके स्किन को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है. बट दोनों भी आपके पास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो. एंड यस, मॉइस्चराइजर इज मस्ट एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका मॉर्निंग या आफ्टरनून का कॉलेज होगा तो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन केस अगर आपको मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन में कोई एक चीज अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आप कॉलेज जाने वाले हो, सबके पॉकेट मनी बहुत ज्यादा नहीं होती है तो आपको बजट में काम करना होगा. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना. ओके, बट मेरे पास अभी दोनों चीज है तो हम दोनों अप्लाई करेंगे. ऑल्सो वन मोर थिंग, माइट भी जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो आपके लिए हाई एंड हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. बट देर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट जो काफी अफोर्डेबल रेट में अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं. अब मेरे पास जो है मैं वो यूज करके यहाँ पे आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर एंड मैं रैंडमली जो मुझे सामने दिख रहा है मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ. तो आप ये मत सोचना कि मैंने तो हजार रुपये का प्रोडक्ट यूज किया तो आप हजार रुपया कैसे यूज करोगे. ठीक है, तो इतना मत सोचो, मैं पहली रीजन दे चुकी हूँ उस बारे में. तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके अच्छे से अपने फेस पे मैं अप्लाई कर लूंगी. एंड नेक पे भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. ओके, सो दिस इज डन. एंड दो मिनट तक वेट करो ताकि मॉइस्चराइजर अच्छे से आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए, देन हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे. एंड फॉर द सेकंड स्टेप मैं यूज करने वाली हूँ टिंटेड सनस्क्रीन. अगर आप चाहो तो आप बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हो क्योंकि बेसिकली जब हम मेकअप करते हैं हम फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करते हैं क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं या कुछ इवेंट है उस चीज के लिए जा रहे हैं तो हमको अपना बेस थोड़ा सा हैवी रखना पड़ता है या थोड़ा सटल भी रखना हो तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो. बट अगर आप कॉलेज जा रहे हो डेली बेसिस पे फाउंडेशन कंसीलर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप चाहो तो बीबी क्रीम यूज कर सकते हो या फिर जो आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो वो टिंटेड सनस्क्रीन हो कि कहीं ना कहीं वो आपको सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन भी दे दे प्लस आपके स्किन पे एक शीयर कवरेज भी दे दे. एंड मेरे पास जो सनस्क्रीन है मैं आपको वो दिखाती हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे बायोडर्मा की टिंटेड सनस्क्रीन है जो कि काफी कॉस्टली है, बट अगर आप चाहो तो अभी टॉट एंड गी में भी टिंटेड सनस्क्रीन आ गया है एंड इसका रिव्यू काफी अच्छा है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो. एंड थोड़ी सी क्वांटिटी लूंगी आपके स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी. सो पर्सनली मुझे ना बीबी क्रीम पसंद नहीं है यूज करना,
या फिर आप ये बोल सकते हो कि अब तक मुझे समझ में नहीं आया कि बीबी क्रीम को यूज कैसे करना चाहिए, तो मैं टिंटेड सनस्क्रीन ज्यादा प्रेफर करती हूँ यूज करना, बट दिस इज अप टू यू, आपके बजट में जो आप प्रेफर करते हो आप वैसे कर सकते हो। एंड जो हम आज करने जा रहे हैं मेकअप ट्यूटोरियल, उसमें हार्डली आपको ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की जरूरत पड़ेगी, मतलब फिंगर टिप से ही सारा काम हो जाएगा। ओके, सो अब फेस पे थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट। तो जब मेरे टाइम पे आई डोंट नो कि लिप एंड चीक टिंट अवेलेबल था कि नहीं, बट अभी तो लिप एंड चीक टिंट का अलग एक क्रेज हो चुका है। तो आपके पास लिपस्टिक है तो आप लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश देन एज अ आई शेडो एंड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर अभी आप न्यूली अपना चीज़ें सेटअप कर रहे हो तो आपके पास पैसे हैं तो लिपस्टिक ले लो, नहीं है तो आप एक लिपस्टिक का कोई शेड ले सकते हो जो कि न्यूट्रल टोन, पिंक टोन, कैसे भी टोन में हो जो आपको पसंद हो, या तो फिर आप लिप एंड चीक टिंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे भी आपका तीनों काम हो जाएगा। तो ये ना जो शेड है वो है ओके पेरिलीशियस, एंड इसको मैं सबसे पहले अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी काफ़ी थोड़ा सा, कि बहुत लाउड लुक नहीं चाहिए। एंड विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। एंड अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना तो भी आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगेन ऑफिस में भी आपको बहुत ज्यादा लाउड मेकअप नहीं करना होता, एक डिसेंट सा लुक चाहिए होता है। सो कैन यू सी कितना सुंदर सा फ्लश ऑफ कलर मेरे फेस पे आ चुका है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको चाहिए तो जो लेफ्ट ओवर है आप अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा कलर लेके आप अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड लास्टली मैं इसको एज अ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। एंड फॉर कॉलेज अगर मैं लिपस्टिक शेड की बात करूँ तो आप न्यूट्रल टोन में जा सकते हो, थोड़ा ब्राउन टोन में जा सकते हो, देन लाइट पिंक शेड में, लाइट पिंक यानी कि सटल पिंक शेड में जा सकते हो, देन मॉव शेड में जा सकते हो, तो वो काफी डिसेंट लुक देगा। एंड अब तो टिंटेड लिप बाम्स भी आने लगे हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्टली मैं अपने फेस को सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट, तो प्रोडक्ट पफ में लिया, एक्सेस को पैट किया एंड देन अपने स्किन पे अप्लाई किया, तो काफी थोड़ा सा चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अप्लाई किए ना वो अच्छे से मेरे स्किन में सेट हो जाए। ऑल्सो गाइज मेक श्योर करना है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आई लिड की तरफ लेके जाते हो, वेदर इट्स फाउंडेशन, कंसीलर, योर लिक्विड आई शेडो, लिक्विड एज इन मैं क्रीम आई शेडो की बात कर रही हूँ, तो आप मेक श्योर करो कि अच्छे से ब्लेंड करके उसको आपको पाउडर से अच्छे से सेट करना है, अदरवाइज उसमें क्रीज पड़ने के चांसेस होते हैं। एंड एक बार क्रीज पड़ गया ना फिर वो बहुत गंदा दिखता है। एंड लास्टली मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, तो मैं यहाँ पे माइग्रेन का मस्कारा यूज कर रही हूँ, बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको अफोर्डेबल मस्कारा भी मिल जाएगा, सो इट इज ऑप्शन, अगर आप चाहो तो मस्कारा यूज कर सकते हो या फिर नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट मस्कारा आपके आईज को ना थोड़ा सा एक अच्छा लुक देता है। सो इनकेस इफ यू वॉन्ट तो आप इसमें काजल भी ऐड कर सकते हो या फिर आई लाइनर ऐड कर सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट मुझे इस लुक को ऐसे ही सुंदर सा सटल सा लुक देना था तो मैंने इस तरीके से कुछ अपना मेकअप किया है। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज, आई नो ये काफी सिंपल दिख रहा है बट आई थिंक जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर मैं कॉलेज जाती तो मैं कुछ इस तरीके से तैयार होकर आती, एंड ये काफी सिंपल सुंदर और काफी सटल लग रहा है एंड प्रेजेंटेबल भी लग रहा है। सो यस दिस इज द फाइनल लुक जो मैंने क्रिएट किया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड समवॉट हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हेल्प मी टू रीच माय गोल एंड यस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।